ये वाला जो सेक्शन है ना, ये है किश्तवाड़ी पत्थर से लेके मतलब शेर बीबी वाला ये जो है एरिया है। तो अभी आप देखेंगे दोनों साइड से जो है एकदम मस्त तरीके से गाड़ी चल रही है। तो अभी के टाइम ना ये किश्तवाड़ी पत्थर तक सारा का सारा जो है कंप्लीट हो गया है। तो ये आप देखेंगे ये वाले जो गार्डन है काफी पहले डल चुके हैं, इनके ऊपर आप देख सकते हैं स्लेब जो है पड़ा हुआ है। ओ हेलो जी, कैसे आप सारे, आई होप कि आप सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो अभी के टाइम पे यार मैं हूँ चमोलवास में और आज के भी इस वीडियो में जो है हम जो है 4 से 5 किलोमीटर कवर करने वाले हैं ये NH44 की जो 4 लेन प्रोजेक्ट जो है यहाँ से कंप्लीट हुआ है। तो हाँ जी, आज के टाइम पे जो है ये पूरा का पूरा 4 लेन कंप्लीट हो गया है। पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको 10 से 12 किलोमीटर दिखाए थे शेर बीबी से लेके या नाचलाना से लेके बानिहाल तक, तो उसमें जो है काफी ज्यादा वर्क इनकम्प्लीट था। लेकिन आज के टाइम पे जो है ये 10 से 12 किलोमीटर का जो है सेक्शन है सारा का सारा कम्प्लीट है। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से जो है पूरा जो है 4 लेन कम्प्लीट है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी गाड़ी चल रही है और नीचे जो है 2 लेन है वहाँ से भी गाड़ी चल रही है। तो अब जो है आगे जो है नाचलाना वाली साइड से जो है एक फ्लाईओवर है वो इनकम्प्लीट है, बस बाकी जो है वहाँ तक सारा का सारा कम्प्लीट है। तो आज जो है वहीं चलते और देखते हैं जरा कि आज गार्डर वगैरह डाले हैं कि नहीं। तो फिलहाल अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, बाकी यहाँ से तो सारा का सारा कम्प्लीट अभी मैं आपको जो है यहाँ से दिखाता हूँ तो बढ़िया है। तो आज के टाइम पे आप देखेंगे यार दोनों साइड से जो है 4 लेन पूरा का पूरा कंप्लीट है। आप देख सकते हैं अभी जो इस साइड से भी गाड़ियां आ रही है 2 वे से भी और यहां से भी जो गाड़ियां जा रही है आज के टाइम पे। तो पूरा जो है 4 लेन अभी के टाइम पे कंप्लीट हो गया है, यहां से आप देख ही सकते हैं। ये जी देखिए क्या ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक। आप देखेंगे जो डायवर्जन आपको सामने दिखता है बस यहीं तक जो है ये 4 लेन अभी कंप्लीट हुआ है और यहां से आप देखेंगे यहां से आगे यही 2 लेन स्टार्ट हो जाता है और बाकी यहां से जो है अभी ये फ्लाईओवर बन रहा है और ये वाला फ्लाईओवर सीधे रामसू तक जो है ऐसे ही है। तो अभी के टाइम पे जो है बस यहीं तक ये सारा का सारा कंप्लीट है। ये आप देखेंगे 2 लेन जो पिछली साइड से जाता है और 2 लेन जो है ये वाला हो गया। तो बस इतना ही कंप्लीट है और अगली वीडियो में जो हम यहाँ से लेके पूरा बानिहाल तक आपको दिखाएंगे, बाकी बस यहीं तक अभी कंप्लीट है। बाकी जो किश्तवाड़ी पत्थर की जो लैंडस्लाइड आती है वो जी ये है, रिस्की वाला स्ट्रेच वो ये वाला है, ये आप देखेंगे। तो बस यही है फिलहाल जो अभी हम आगे चलते हैं। अभी आप देखेंगे वो सामने जो आपको एक मोड दिखता है ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है 4 वे वो आगे तक कंप्लीट है और लेकिन वहां से यहाँ जो अभी काम जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिलर्स कितने यहाँ पे जो है बनाए हैं, ये देखिए वो सामने भी जो है वर्कर काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ से लेके रामसू तक जो ये पूरा का पूरा फ्लाईओवर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो लेकिन सामने जो है एक गार्डर पड़ गए हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। बस अब जो है थोड़े ही टाइम में जो है कंप्लीट होने वाला है। ये आप देखेंगे यहाँ तक जो है पिलर इसी तरह के है लेकिन यहाँ से आगे आप देखेंगे सामने जो है गार्डर पड़ गए है। ये जी आप देखिए यहाँ से ये देखो, तो बाकी यहाँ से अब इसी तरह अभी जो है सारे में ये गार्डर पड़ जाएंगे लेकिन अभी के टाइम बस जो है उतने सारे एरिया में है। तो अभी हम जो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और अभी जो है 5:30 बज रहे हैं और अभी के टाइम पे भी जो है ये जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये देखिए मशीन वगैरह लगी है वहाँ पे, तो अभी जो है आगे चल के देखते हैं लेकिन फिलहाल जो है यहाँ से अभी इस पिलर जो है इसी तरह के है तो बहुत बढ़िया है। तो ये जी आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ से जो है ये गार्डर स्टार्ट होता है, ये आप देखेंगे वर्कर जो है इसके ऊपर काम कर रहे है। तो यहाँ से लेके वो आगे तक काफी बड़ी लाइन, लास्ट टाइम जब मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था उस टाइम पे जो है उस साइड से सिर्फ 1-2 पिलर्स के ऊपर ये गार्डर पड़े थे लेकिन आज के टाइम पे जो है यहाँ तक जो है गार्डर डाले इन लोगों ने, ये देखे यहाँ तक यहाँ से लेके वो आगे तक। तो ये चीजें जो है काफी टाइम लेती है इसलिए जो है इतना टाइम लग रहा है यहाँ से, क्योंकि आप देखो किस तरह से जो है काम कर रहे हैं बंदे, कहाँ से किस तरह से मशीन वहां से लगाई हुई है। ये देखिए एक मशीन जो है कहाँ पे है,
ये आप देख सकते हैं यहाँ से, और बाकी जो है बाकी मशीनरी वो नीचे है। और अभी जो है यहाँ से रोड बनाया है वो सामने से, यहाँ से जो है ये कंपनी की गाड़ियाँ जो है नीचे जाती है, जो भी कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें यूज होती है वो जो है यहाँ वहाँ जो है डिलीवर करती है। तो बाकी आप देखिए ये रोड जो है अभी टेम्परेरी बनाया गया है, यहाँ से ये आप देखेंगे ये टेम्परेरी बनाया गया है ये रोड, यहाँ से ये देखिए किस तरह गाड़ी यहाँ से जा रही है, और बस उस वाले पिलर तक जो है अभी ये गार्डर पड़ा है, और वहां से आगे जो है अभी इसी तरह का है। तो बाकी उस साइड से भी जो है अभी सारा का सारा इसी तरह है, लेकिन हम थोड़ा आगे तक चलते हैं और देखते हैं जरा कितना क्या हुआ है। बाकी जो है पीछे जो मैंने आपको दिखाया ये 10 से 11 किलोमीटर सारा का सारा वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिलहाल हम आगे तक चल के देखते हैं। ये वाले जो गार्डर है काफी पहले डल चुके हैं, इनके ऊपर आप देख सकते हैं स्लेब जो है पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सीमेंट का है, और यहाँ से जो है उस तरफ आप देखेंगे, उस तरफ जो आप देखेंगे खाली जो है टीन है, ये आप देखिए। तो बाकी जो है क्योंकि इस वाले ये वाला जो गार्डर है काफी पहले जो है डाला है, तो ये वाले जो अभी नए नए एक उस साइड है और एक जो वो आगे है, तो अभी जो ये पिलर जो है 5 से 6 पिलर्स है, इन्हीं के ऊपर जो अभी गार्डर डाले हैं, बाकी यहाँ से आगे तो नहीं है, थोड़ा सा हम आगे तक और चलते हैं, लेकिन यहाँ से आगे जो है नहीं डाला है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं वहां से भी जो है अभी इसी तरह है, बाकी अभी के टाइम पे जो गाड़ियां चलती है वो इसी वाले टू वे से चलती है, थोड़े टाइम जो है हमें इस वाले फ्लेवर से भी जो है गाड़ियां चलने को दिखेंगे, लेकिन इसमें जो काफी टाइम लगने वाला है। बाकी देखेंगे ऊपर से अब क्या ही व्यू दिखेगा जब सारा का सारा कम्प्लीट हो जाएगा, फिलहाल जो है मैं थोड़ा आगे तक चलता हूँ और देखते हैं जरा की कहाँ तक जो है गार्डर डाले। यहाँ से दिख रहा है आगे जो है और मशीनरी है और मशीन से आगे, ये आप यहाँ से देख रहे हैं। तो अभी थोड़ा आगे तक चलते हैं और देखते हैं जरा की कहां तक डाले हैं गार्डर्स। वैसे स्पीड आज काफी अच्छी है काम की, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो सिर्फ वो जो पीछे मैंने आपको गार्डर दिखाया वही डाला। तो ये आप देखेंगे जो लास्ट वाला गार्डर जो है ना वो यहीं तक है, ये आप देखेंगे, और यहाँ से आगे जो है पिलर्स जो है इसी तरह के है जैसे वो पीछे मैंने आपको दिखाया। तो ये आप देखेंगे यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ से लेके वो आगे तक, तो यहाँ से आप देखेंगे एक तो गार्डर वहां तक है, बीच में एक पिलर इसी तरह का है, बाकी जो है यहाँ से है, ये आप देखेंगे, ये जी देखिए आप यहाँ से, और यहाँ पे जो है भाई ये देखिए वहां पे जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं वहां से, भाई क्या हाल है ठीक हो? तो यार ये काफी मेहनत करते हैं लोग, ये देखिए नीचे जो है कहाँ पे ये पिलर है, और यहाँ से देखिए कितनी हाइट है, और इतनी हाइट पे जो है ये बंदे काम कर रहे हैं, तो यार क्या बात है। तो फिलहाल जो है यहाँ तक गार्डर डाला इन लोगों ने, और यहाँ से लेके वो आगे तक, तो काम की स्पीड आज के टाइम पे काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो एक ही गार्डर जो है डाला था, तब से जो एक दो हफ्ते हो गए और इतने टाइम में जो है इतने गार्डर डाले, तो यार ये काफ़ी बढ़िया बात है और अच्छी स्पीड है कह सकते हैं, क्योंकि यार ये ईजी काम नहीं है आप कह सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये बाकी मशीन्स है, तो बहुत ही सही है यार, बहुत बहादुरी का काम है, क्योंकि कुछ लोगों को जो हाइट फोबिया होता है, सारे लोग जो है इस तरह पिलर्स पे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो जो भी है सही है। फिलहाल जो है यहीं तक गार्डर डले हैं, बाकी यहां से आगे जो है ये फ्लाईओवर रामसू तक है, कोई 5 से 6 किलोमीटर या कह सकते हैं 6-7 किलोमीटर का जो ये फ्लाईओवर है, लेकिन बीच में बस कुछ जगह पे इसी तरह कटिंग की गई है, बाकी जो है सारा का सारा फ्लाईओवर ही है। तो बाकी जो है हम अभी यहाँ से जो है आगे की ओर चलते हैं और आगे भी आप लोग को दिखाते हैं, तो बढ़िया है। अभी ये टाइम आप देखेंगे यहीं तक जो है ये 4 लेन का जो ये है काम है ये कंप्लीट हुआ है, और यहाँ से आगे आप देखेंगे यहाँ से अगर आते हैं और यहाँ से आगे आते हैं ये वाले पिलर्स जो फ्लाईओवर यहाँ से बन रहा है, बाकी ये है किश्तवाड़ी पत्थर, और किश्तवाड़ी पत्थर तक ही जो है बानीहाल मतलब 4 वे से लेके यहाँ तक जो है कम्प्लीट है, आप कह सकते हैं श्रीनगर से लेके यहाँ तक, और यहाँ से आगे जो है अभी रामसू मगरकोट व सारा पंठियाल जो भी है बस वही इनकम्प्लीट है, बाकी बानीहाल से किश्तवाड़ी पत्थर सारा का सारा काम कम्प्लीट हो गया है। तो बाकी यहाँ पे जो है एक छोटा सा स्ट्रेच है ये आप देखेंगे, और लैंडस्लाइड जो है इसी वाले एरिया से आती है ये आप देखेंगे पर, तो फिलहाल के टाइम पे यहाँ से आगे अभी 2 लेन ही है जो आप देख सकते हैं, ये तो यहीं तक जो है सामने तक 4 लेन है, तो अभी जो हम आगे चलते हैं। यहाँ से आप देखेंगे एक एरियल व्यू आता है ये 4 लेन का, और ये वाला जो सेक्शन है ना ये है किश्तवाड़ी पत्थर से लेके मतलब शेर बीबी वाला ये जो है एरिया है, तो अभी आप देखेंगे दोनों साइड से जो है एकदम मस्त तरीके से गाड़ी चल रही है, तो अभी के टाइम ना ये किश्तवाड़ी पत्थर तक सारा का सारा जो है कम्प्लीट हो गया है, मतलब बानीहाल से बानीहाल का जो टनल है बानीहाल काजीगुंड टनल वहाँ तक तो पहले से ही कम्प्लीट था, लेकिन आज के टाइम पर आप देखेंगे वहाँ से लेके किश्तवाड़ी पत्थर तक जो है सारा का सारा कम्प्लीट है, तो रेलवे से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर जो है सारा का सारा
कंप्लीट है। तो बाकी अब देखेंगे, अभी कुछ मैं इस तरह की जगह पे बैठा हूँ और यहाँ से क्या ही जबरदस्त व्यू दिखता है। तो अभी मैं जो सारा जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो सारा का सारा जो है एकदम इसी तरह से दिखेगा, बहुत ही जबरदस्त। अभी के टाइम पे गाड़ियाँ थोड़ी कम चल रही है क्योंकि इवनिंग का टाइम है, तो अभी गाड़ियाँ थोड़ी कम चल रही है। बाकी किश्तवाड़ी पत्थर से आगे जो है फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अभी के टाइम पे वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो पूरा का पूरा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ से ही पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो अगली वीडियो में जो हम आपको किश्तवाड़ी पत्थर से लेके पूरा बानिहाल रेलवे तक दिखाएंगे कि पूरा कंप्लीट हो गया और रोड मेंटेनेंस जो है आज के टाइम पे स्टार्ट हो गई, एक दो हफ्ते पहले जो है रोड मेंटेनेंस स्टार्ट हो गई है। तो फिलहाल जो है आज के टाइम पे आपको ये दिखाया कि यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ और आगे जो है आपको गटर भी दिखाया, तो बढ़िया है।